हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। तो जैसे ही ब्लॉग शुरू होता है आपको हमारे सोफे बाहर दिख रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि बच्चे मेरे बहुत ही शरीफ है कि सोफे पे फाड़ देते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा ही फट रहा था इसलिए रिपेयर करना अभी शुरू हो चुका है, तो इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी खुल रहा है, और मेड भी जो है, जो रेगुलर आती थी जो आंटी, वो भी अब नहीं आएंगी। इसलिए मतलब हैदराबाद से आने के बाद ये पहला व्लॉग है, और ऐसी भाई बंदी से मेरे को कोई जो बाजू वाले घर में कर रही थी जो मेड काम, उधर उनको बुला के मैंने बोला आज एक दो दिन के लिए कर लो, जब तक कोई नई मैं मेड को सेट नहीं कर लेती हूँ करके। इसलिए वो दो लोग हैं, एक मतलब लेडी है और उनकी लड़की भी है, तो दोनों कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अभी देखिए सोफ़ा रिपेयर हो चुका है, तो पूरे रूम का लुक जो है मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब थोड़ा बहुत अच्छी तरह सेट कर लूँगी। वैसे अभी भी समझ में आ ही रहा है, लेकिन फिर भी दिखा दूँगी। तो देखिए अभी हमने ब्राउन कलर लगाया और बीच में ये डायमंड्स लगवाए हैं, एंड ये अभी जूट का कपड़ा लगाया जो काफ़ी ड्यूरेबल है। लेदर जो है कितना भी अच्छे का क्वालिटी का हो, लेकिन जब आपके घर में बच्चे ऐसे छोटे छोटे हो तो उन चीज़ों को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने अभी जूट से लगवा के इसको रिपेयर कर दिया, अब तो खूब चलने वाला है ये। हाय एवरीवन, टीवी चल रही है। तो सोफ़े जो है काफ़ी फट रहे थे, तो बाहर जो है सोफ़ा रिपेयर वाले घूमते रहते हैं, तो वो आए थे, तो मैंने बोला चलो बुलाते करके, एंड ऐसे सोचा नहीं था और हमने रिपेयर करा दिया। नए सोफ़े ले सकते हैं, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कितनी बार हमने सोफ़ा रिपेयर कराया है, एंड हर बारी जो हमने सोचा अब शायद बच्चे नहीं फाड़ेंगे, लेकिन लेदर की वजह से भी उन्होंने एक जो आमलेट बनाने की करची होती है आदित्य ने उस पर मारी और वो फट गया, और उसके बाद फटता ही रहा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि नॉर्मली भी बैठे बैठे ये दोनों उसको छीलते जा रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो अपने बोला रिपेयर करा लेते हैं, नया लेंगे उसका भी यही हाल बनाएंगे, थोड़े टाइम तक अभी पुराना चलाएं तो अच्छा है करके अभी हमने रिपेयर करवा दिया है। बीन बैग भी इन्होंने छेद कर रखा है, मैं वो उसमें भी एक छोटा सा पैच वर्क कर दो करके उनको बोला है, और चाय रखी है मैंने अभी। तो आके विजयवाड़ा आके भी 3 दिन हो गए हैं, और मैंने 3 दिन से कोई काम नहीं किया है, आई मीन काम इन द सेंस कोई व्लॉगिंग नहीं करी, काम तो खूब किया है। बिकॉज एक महीने तो मैं घर में नहीं थी, हस्बैंड थे, तो हस्बैंड ने तो घर को खंडर बना दिया था, बाथरूम एकदम ऐसे काले हो गए, बालकनी में खूब सारी मिट्टी, एंड किचन में तो इन्होंने, मैं जब तक आई हूँ किचन में जो बर्तन इन्होंने खा के रखे हुए थे उसमें भी फंगस लग गया, जो थोड़े बहुत चावल के टुकड़े या जो पड़ा रहता है ना उस सब में भी फंगस लग गया। फ्रिज में भी फ्रूट्स में काट के गई थी, पपाया काट के मैंने बॉक्स में रखा था, मैंने बोला बीच बीच में खाते रहना उसको करके, एंड वो पपाया एक महीने से ऐसे पड़ा उसमें फंगस लग गया, इन्होंने खाया नहीं, फंगस हो गया पूरा। तो 3 दिन से मैं एकदम बुरी तरह काम कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मेड भी नहीं है। एक मिनट, चाय रखी है मैंने पूरा, तो 3 दिन से मैं एक को इतना काम करना, क्योंकि आने के बाद बैग सीते थे, सबको अनपैक करना था, और काम वाली भी नहीं है। मेरी जो काम वाली आंटी आती थी उनको, इस भाई साहब को देखो, जो काम वाली आंटी थी उनको बोलते हैं मलेरिया हो गया है, उन्होंने बोला मलेरिया हो गया है, तो बच्चों के पास थोड़ा मतलब थोड़ा उनको केयरफुल रहना चाहिए। मैंने बोला ठीक है मत आओ आप अभी करके मैंने बोला उनको, तो अभी दूसरी मेड जब तक मिलती नहीं है तब तक मेरी तो बैंड बजने वाली है, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 3 दिन के बाद आज मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग। तो सोफ़े भी रिपेयर हो चुके हैं अभी, तो इस बार हमने जो है वो जो जूट का कपड़ा होता है ना, हाँ वो कपड़ा लगा दिया है। तो अभी थोड़ा बहुत जो बाकी है वो रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊँच नीच, और ये देखो कैसे शोर मचा रहे हैं, चाय बन गई, पी लेते हैं पहले हम लोग, और लास्ट में मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी जब सब कुछ सेट कर दूंगी तब। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्राईपॉड लिया है, वो ट्राईपॉड का भी काम करता है, हाथ से पकड़ने वाला भी काम करते हैं, और उसको रख के भी प्लेस करके भी उससे वीडियो निकाल सकते हैं। तो मैं बस यहाँ पे उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग कर रही थी थोड़ी सी, एंड उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अभिषेक को शॉप में। तो हैदराबाद से आने के बाद घर में एक भी चीज़ नहीं थी, तो बहुत लोगों ने पूछा कि आप जब नहीं थे तो आपके हस्बैंड कैसे मैनेज कर रहे थे। तो जो आंटी पहले काम करती वो थोड़ा खाना भी बना देती थी, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी हेल्प हो जाती थी, लेकिन
अभी हमारे वापस आने से 1 हफ्ते पहले से वो नहीं आ रही थी, उनको मलेरिया हो गया करके वो बोल रहे थे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो घर में कुछ सामान नहीं था इसलिए हम बाहर आए थे। एंड आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक्स ये सब पड़ी हुई हैं, तो डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है पता नहीं, लेकिन है तो ये फैंसी स्टोर है, प्लस टॉयज वॉयज सब रहते हैं यहाँ पे। तो अभिषेक जो है इस शॉप में आने के बाद कार्स उठाए जा रहा था और बिना पेमेंट करे ही शॉप से चलता बन रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से उससे लिया और वापस दे दी क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें ले ली थी। एंड आदित्य और उसके पापा जो है साइड वाली शॉप में है। उसके बाद हम यहाँ पे बेकरी में प्रस्थान कर चुके हैं और केक्स को देख के मन तो ललचा ही जाता है। एंड इतनी सारे केक्स और स्वीट्स सब कुछ यहाँ पे रहते हैं, मतलब बच्चों को जो जो पसंद होता है ना वो सब कुछ यहाँ पे रहता है। तो इसलिए हमने केक भी लिया एंड आइसक्रीम भी ली। आदित्य ने अपने लिए एक उसको ये जो चम्मच से खाने वाली आइसक्रीम होती है ना वो पसंद नहीं आती है, उसको जो चूसने वाली होती है जैसे मैंगो आइसक्रीम या ऑरेंज आइसक्रीम वो पसंद आती है, उसने वो ली। अभिषेक ने लॉलीपॉप ली, तो चारों चार चीज़ें लेके ही निकले हैं यहाँ से। एंड हर तरह के स्वीट्स भी यहाँ पे, पेड़े बेसन के लड्डू हो गए या सब कुछ रहता है। एंड इतनी महंगी महंगी मिठाइयाँ हो गई हैं आजकल, एक्चुअली मीठा खाना तो वैसे ही अच्छा नहीं है एंड ऊपर से कॉस्ट भी इतना ज़्यादा होता है कुछ मिठाइयों का जो हमको पसंद होती है, 1000 रुपये kg, 1500 रुपये kg, इतना इतना वो है। तो जो शुगर के पेशेंट है बेशक अगर खाने का मन भी कर रहा हो ना रेट देख के तो भी छोड़ देंगे, लेकिन कभी कभी ओकेशनली खाना ठीक है, रेगुलरली तो नहीं। अभी हम लोग दो फिशेस लेके आए हैं, दो फिशेस लेके आए हैं क्योंकि गर्मी की वजह से दो फिशेस मर गई थी, अभी नहीं एक मरी थी। और कुछ दिन पहले जब हम मेरे ससुराल गए थे तब एक मच्छी को मार के बाकी मच्छियों ने खा लिया उसको, इसलिए अभी हम ये वाली ऑरेंज गोल्ड फिश लेके आए हैं दो। यही रहा गए थे बाहर क्योंकि दूध के पैकेट नहीं थे, वो लाने थे क्योंकि आने के बाद मैंने अभी तक दूध वाले जो हमको दूध डालते हैं एवरी डे उनको बोला नहीं था दूध डालने के लिए, और बोलने के बाद भी कम से कम 2-3 दिन डालते नहीं, वो लोग भूल जाते हैं। तो मैंने बोला लेके आते हैं करके, फिर जिस दिन मैं आए थे ये तो मेरे हस्बैंड जो है दूध के पैकेट लेके आ गए थे और वो ख़त्म हो गए, मैं अभी इनको बताया नहीं है, तो सुबह तो डालेंगे नहीं जो दूध के पैकेट। तो आदित्य ने ऑनलाइन अपने लिए एक फोन वॉच है, ये मतलब वॉच का भी काम करती है प्लस उसमें कॉल्स भी आते हैं। तो वो कितने की आई है, 600 रुपये, 620 रुपये की आई है। I gave 20 because he did not have 1 rupees change, so he kept 620. Actually 619 की है, तो चेंज दिया नहीं था तो वो भी रख लिया था। तो इसके लिए सिम भी लेने के लिए गए थे तो मेरे फ़ोन का सिम ही उसके उसमें डाल दिया, बहुत दिन से मैं वो यूज़ नहीं कर रही थी तो इसलिए वो भी रिचार्ज कराया क्योंकि उसमें इनकमिंग आउटगोइंग सब खत्म हो गया था। और ऐसे ही हम फिर बेकरी में गए और एक केक लेके आ गए क्योंकि जो ब्लैक फॉरेस्ट वाली जो पेस्ट्री है वो एक पेस्ट्री 50 रुपये की है और 2 टुकड़े हम लेना सोच रहे थे तो वो 200 रुपये की पड़ती है, चलो केक ही ले लेते हैं 550 का कुछ है, बीच बीच में बहुत दिन चलेगा खा लेंगे करके ले लिया। एंड काफ़ी दिन हो गए कि केक नहीं खाया, बहुत क्रेविंग सी हो रही थी मुझे कि खाना है करके, तो ले ही लिया। एंड आइसक्रीम ली है, तो 2-4 आइटम कुछ लिए हैं ऐसी, अभी खाना भी खाना है, मतलब अभिषेक को मैंने खिला दिया था, आदित्य को खिलाने वाली थी तब तक वो मान नहीं रहा था जाना है करके।
भी हम लोगों ने खाना है। चलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पे आपको अगली सुबह में मैं आपको दिखा रही हूँ वैक्यूम क्लीनर। बहुत लोगों ने मुझे बोला भी था कमेंट सेक्शन में जब मैंने पिछली बार एक और दिखाया था कि आप इसका भी एक बार चेक करो, यूरेका का काफ़ी अच्छा है। तो मैंने बोला चलो एक बार डेमो लेते हैं, एंड इसका पूरा डेमो लिया, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था वैसे इसका। तो इसमें अलग अलग अटैचमेंट दी हुई है, अगर आपको डस्टिंग करनी है या पानी निकालना है या स्प्रे करना है या रूम फ्रेशनर स्प्रे करना है घर में, बहुत ही पावर वाला स्प्रे है। एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बहुत सारे, कम से कम 15 या 16 अटैचमेंट है इसके साथ। एंड 15-16 अटैचमेंट में से 2 या 3 ऐसी अटैचमेंट्स हैं जो आप रोज़ यूज़ करेंगे, बाकी सब तो बहुत ओकेजनली यूज़ करेंगे आप। तो मैं आपको जितना भी हो सकता है वो दिखा देती हूँ। ये वाला जो वैक्यूम क्लीनर है हर कॉर्नर में घुस सकता है, आप अगर कंपेयर करेंगे बाकी किसी वैक्यूम क्लीनर से, उनके जो है मोटर फिटिंग ऊपर ही रहती है तो वो अंदर तक नहीं जा पाते। एंड अभी जो उन्होंने कचरा दिखाया है वो झाड़ू पोछा लगने के बाद है, अभी थोड़ी देर पहले ही झाड़ू पोछा लग चुका है और उसके बाद इतना सारा आया है। एंड ये आपको जैसे मैंने दिखाया था कल ही सोफ़े पूरे नए लगवाए, आई मीन कवर इसके ऊपर जो सोफ़ा पूरा सिलवाया है नया नया, इसके ऊपर से भी काफ़ी अच्छी तरह जो है कचरा निकला है। बेशक नया लगाया लेकिन कपड़ा तो शॉप में या बहुत टाइम से रहता है या उन लोगों के पास बहुत टाइम से रहता है, तो देखिए उसके ऊपर से भी कितने ज़्यादा जो बोलते हैं ना जाला टाइप सा आया है। एंड उसके बाद उसको भी उन्होंने वैक्यूम से पूरा जो है निकाल लिया। मैं यहाँ पे थोड़ा प्रेशर चेक कर रही थी कि कितने प्रेशर से आ रहा है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी सोफ़ों में घुस भी जाती है तो उस प्रेशर के साथ जो है बाहर भी आ जाती है और धूल मिट्टी सारी बाहर भी आ जाती है। एंड अलग अलग अटैचमेंट्स है सोफ़े को साफ़ करने के लिए या मैट को साफ़ करने के लिए। मैं जो है पानी लेके आई, उन्होंने बोला पानी है लेके आओ आप, तो मैं एक वो जो चाय का जो पतीला होता है उसमें पानी लेके, मैंने पहले थोड़ा सा गिराया, उन्होंने बोला नहीं डालो डालो करके, फिर उन्होंने पूरा डाल दो जितना भी है करके, तो मैंने डाल दिया। आई वाज लाइक अच्छा सब कुछ सो करेगा क्या ये करके। तो इसकी जो कैपेसिटी है 8 लीटर्स तक का वाटर जो है ये सक कर सकता है। एंड उसके बाद नीचे का जो आपको वो जो बॉक्स दिख रहा है वो आप जाके फेंक सकते हैं पानी, बकेट टाइप ही है, जब आप पोछा लगाते तब भी बकेट कैरी ही करते, तो बस फेंक के आ जाओ और उसके बाद और भी अगर पानी मान लीजिए आप घर पूरा धो रहे तब भी इजीली जो है वो पूरा पिक कर लेगा पानी। तो पूरा पानी उन लोगों ने क्लीन कर दिया और एकदम जैसे सूखी हुई ज़मीन थी वैसा हो गया था। तो उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे कि डिफरेंस पता लग रहा है कि नहीं, और काफ़ी अच्छी तरह पता लग रहा था कि बहुत अच्छी तरह साफ़ हुआ है, बिल्कुल भी एक ग्रैनुअल भी किसी चीज़ का पैरों में नहीं लग रहा था। जनरली जब नॉर्मल पोछा लगाते हैं तो कुछ ना कुछ टच होता है पैर में, एंड पूरे दिन जब बिना चप्पल के हम लोग घर में घूमते हैं पैर काले हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ जो है धूल मिट्टी बच जाती है। एंड उसके बाद इन्होंने दूसरा अटैचमेंट लगाया ब्रश टाइप का, ये डस्टिंग के लिए है, तो ग्लास के ऊपर भी साफ़ कर दिया ऊपर भी। एंड जैसे जो भी आपकी शेल्फ्स में होते हैं, ये देखो कोई किसी ने शादी का कार्ड दिया था इसका भी बदतर हाल हो गया, 1 महीने से यहीं ऐसे पड़ा हुआ था, इसके ऊपर भी जो भी धूल थी देखिए पूरा साफ़ हो चुका है। एंड यहाँ पे जो भी छोटे मोटे पीसेस रखे हुए हैं उसके ऊपर टच करते ही जो भी उसमें धूल मिट्टी है वो सारी आराम से, देखो ऐसे टच करते ही सब कुछ सक कर लेता कर रहा था वो। तो आई फेल्ट कि काफ़ी अच्छा है हर चीज़ को घुस घुस के साफ करें। अभी हम कपड़े से भी अगर डस्टिंग करते हैं तो ऊपर ऊपर ही कर पाएंगे, जहाँ पे हाथ नहीं जा सकता या कपड़ा नहीं जा सकता वहाँ तो छोड़ ही देंगे, लेकिन वैक्यूम क्लीनर ये वाला ऐसा है कि अच्छी तरह पूरा साफ़ कर देते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारी धूल थी, पूरा सक कर लिया अच्छी तरह। एंड वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जब वो टेम्परेरी वाली हमारी मेड आई थी, वो गद्दे वद्दे मैंने सारे हटा के झाड़ू पोछा लगवाया था, लेकिन फिर भी कितनी धूल निकली। एंड ये जो फ्लावर पॉट है फुल जो है धूल मिट्टी के साथ पूरे जालों के साथ भरा हुआ था, तो उसके ऊपर उन्होंने जो है वेट स्प्रे किया, पहले स्प्रे किया उसके बाद वेट स्प्रे किया, तो वो एकदम ऐसे लग रहा था जैसे मैंने धो दिया हो। नाउ कमिंग टू दिस, ये है विदाउट वायर वाला, इसको देख के एक्चुअली मैंने ये यूरेका के डेमो के लिए बुलाया था, लेकिन मुझे ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा।
क्योंकि एक तो चार्जिंग पे लगाने के बाद आपको जो है करीबन एक घंटा काम करेगा ये, एंड ऊपर चीज़ों साफ ऊपर की चीज़ें जो साफ़ करनी है आप उठाओगे तो बीच का अटैचमेंट अलग हो जाता है लेकिन फिर भी भारी हो जाता है। अभी देखिए जैसे उन्होंने टेढ़ा किया है लेकिन नीचे वो नहीं जाएगा क्योंकि मोटर ही इतनी मोटी है उसकी, एंड जितना इसका ये जो कचरा है देखिए अगर उसको पिक करना है तो उसके ऊपर जैसे बड़ा कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर रख के पिक करना पड़ता है। अभी ये देखिए ये अटैचमेंट लगा के ये मैट साफ़ कर रहे हैं, एंड ये पहले वाला जो है उसने एकदम से साफ़ कर दिया, उतना अच्छा फास्ट तरीके से वो वाला नहीं कर रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो है मेरे ख्याल से बेटर है, जो बैटरी पे रहता है वो इतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं करता है। तो सब कुछ होने के बाद उनके जाने के बाद मैंने खाना वाना बनाया एंड अभी हम लोग खाने के लिए बैठ रहे हैं। तो उन लोग का डेमो काफ़ी देर चला तो क्योंकि संडे था तो खाना बनाना भी लेट हो गया, सब कुछ लेट हो गया क्योंकि 12 बजे तक वो लोग ही घर में थे, एक के बाद एक वो दिखा रहे थे एंड उसके साथ फिर मैंने भी थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग कर दी थी। एक्चुअली किचन के शेल्फ सारे क्लीन कर दिए थे मैंने बड़े वाले, एंड सब कुछ हो के खाना बनने तक 2:30 बज गए थे। आज खाना लेट हो गया, अभी हम लास्ट में खा रहे हैं। बच्चों को तो मैंने नहाने से पहले ही खिला दिया, मैंने बोला चलो उन लोगों को मैं नहा के आऊँगी पूरा करूँगी तो लेट हो जा करके पहले मैं थोड़ा सा फ्रेश अप होके उन लोगों को खिला दिया, अभी हम लोग खा रहे। तो रेसिपी वैसे भी मैंने कुछ शूट नहीं करी, आज संडे था तो इसलिए मैंने चिकन बनाया था। एंड ये आदित्य की बार बार जो है जब भी कैमरा ऑन होता है बहुत बार वो आके जो है अपनी फ़ोन वॉच दिखा रहा है, उसको ऑपरेट करना तो इतना अच्छी तरह वो नहीं हो रहा है क्योंकि बटन उसका बड़ा हार्ड है लेकिन बार बार उसको छेड़े जा रहा है, चार्जिंग ख़त्म कर रहा है। अभी शाम का टाइम हो गया तो मैं आपको रूम का एक अच्छी तरह लुक दिखा रही हूँ क्योंकि थोड़ा ठीक ठाक कर दिया मैंने सब कुछ गद्दा वद्दा, एंड बच्चे यहाँ टीवी देख रहे हैं। एंड अभिषेक जो है एक बार टॉयलेट चले जाए तो दोबारा जो है अपनी चड्डी नहीं पहनता है, वो बड़ी गंदी आती है। अभी उसने ऊपर हेलमेट लगा लिया है और हेलमेट के साथ घर में ड्राइविंग कर रहा है। तो भैया आपके लिए एक मैसेज है कि ड्राइविंग करो तो हेलमेट पहन के। तो ये कर रहा था तो आदित्य सोचा कि उसका भी कुछ शूट करना है करके वो स्किड मारने लग गया, बोलता मम्मी दिखाओ 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 करके। ये देखो स्केट एंड इसके बाद डिनर भी हो चुका था तो अब बारी आती है केक कटिंग की। केक कटिंग किस चीज़ का सोच रहे होंगे अभी बताऊंगी मैं। हैप्पी होम लिखा हुआ है इसके ऊपर देख रहे हैं, जैसे कि आप इसको पहले कट करके इसका स्वाद चखने के बाद क्यों लिया वो भी मैं बता दे दूँगी आपको थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, तो सारा काम ख़त्म हो चुका है और जैसे कि आपने देखा तो क्योंकि हमने केक खरीदा था और वैसे कोई ओकेशन नहीं था तो हमको लग रहा था क्या लिखें इसके ऊपर, एनिवर्सरी बर्थडे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि हैप्पी होम लिख देते, तो हैप्पी होम उसके ऊपर लिख दिया। एंड जब हम बोले थे कि हैप्पी होम लिखो करके तो वो जो शॉप वाले भैया थे वो भी थोड़ी स्माइल पास कर रहे थे। उसके बाद अभी पहले मैंने सोचा काट के, इन्होंने बोला केक ले आओ करके, मैं बोला केक है पूरा काटते हैं करके, हाँ ठीक है काटते करके फिर चारों बैठ गए। एंड अभिषेक जो है हैप्पी बर्थडे करने लग गया। एंड रात का रूटीन जो है किचन विचन क्लीन हो गया और सुबह जैसे कि मैंने बोला था वो जो वैक्यूम क्लीनर है उससे मैंने सारी शेल्फ भी क्लीन कर दी थी। और पहले मैंने सोचा था वैक्यूम क्लीनर का तो कोई प्लान नहीं था कि वो आएगा या नहीं आएगा, जब घर में आके मैंने गंद इतनी देखी कि मैं कब तक साफ़ करूँगी कैसे साफ़ करूँगी, जो किचन के ड्रॉअर्स है
उनको अगर उनके नीचे सफाई करनी है तो पूरे ड्रॉर्स को निकालना पड़ेगा, फिर बल्ब्स के लिए बर्तन पूरे निकालने पड़ेंगे क्योंकि हैवी हो जाता है। तो लाइक बाप रे, एंड टाइम पे जो है वैक्यूम क्लीनर आया और उन्होंने भी बोला कि आप ट्राई कर लो थोड़ा। तो उस ट्राई में मैंने किचन की पूरी सफाई कर डाली और उनको उसमें दिखाया, देखो कितना ज़्यादा कचरा आया, मतलब मेरे हस्बैंड को भी दिखाया और उनको भी दिखाया। देन वी वर लाइक कि लेने से बेटर है क्योंकि हर चीज़ की क्लीनिंग हो सकती है उससे, कार क्लीन कर सकते हो एंड उसमें वेट वाली फैसिलिटी भी है, झाड़ू पोछा दोनों लग सकता है। एंड इट वॉज अराउंड 15,000। तो अभी एक्चुअली डिज़ाइन कुछ दिन पहले जैसे आपने देखा था कि मैंने एक और डेमो लिया था मम्मी के घर पे, तो मेरे को यही ज़्यादा बेटर लगा। और कुछ लोगों ने मुझे बोला भी था कि वो वाला जो था वो डायसन था, ये वाला है यूरेका का। मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं कर रही हूँ, मेरे घर की नीड के हिसाब से मैं सोची थी ले लूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा लगाने के बाद भी यू नो थोड़ी डस्ट वस्ट आती रहती है, इतनी ज़्यादा सफाई मुझे नहीं लगती है। और वैक्यूम क्लीनर से कंपैरेटिवली अच्छी सफाई होती है, मैंने देखा भी। अब मेरे को ये लग रहा है कि रोज़ क्या मैं उसको यूज़ कर पाऊँगी, तो इसके लिए आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये बड़ा वाला वैक्यूम क्लीनर, उसके साथ 5 मीटर का वायर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल है। दूसरा वाला जो है वो तो बैटरी वाला है, बट आई डिड नॉट फाइंड दैट ड्यूरेबल वो वाला चीज़। तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मुझे ख़रीदना चाहिए कि नहीं। मुझे 15,000 यूरेका के वैक्यूम क्लीनर पे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, बिकॉज उसमें झाड़ू पोछा पोछा इन द सेंस कि यू कैन वाइप योर फ्लोर, वेट वाला वाइप कर सकते हो एंड नॉर्मल भी क्लीन कर सकते हो। एंड मैं आपको अभी दो हैंडमेड पर्स दिखाना चाह रही हूँ, मतलब क्या दिखाने वाली हूँ। एंड वो मुझे भेजे हैं पद्मनी क्रिएशन से एक छोरी ने, क्या बोलूँ, लड़की बोलूँ छोरी बोलूँ, पद्मनी ने बोल पद्मनी उनका नाम है, PADVANI, तो उनका वो है, मैं इंस्टाग्राम पेज नीचे दे दूँगी। ओनली मैं ये दिखाने से पहले बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जब भी मुझे कोई लोग आइटम भेजते हैं तो मैं, अगर मेरे रेगुलर वीडियो कैसे भी हों लेकिन उनके वीडियो मैं बहुत दिल से करती हूँ, क्योंकि जब भी कोई किसी को प्रोडक्ट्स भेजता है वो इस इंटेंशन से भेजता है कि कल को हमारे पास से अगर कोई उनके प्रोडक्ट्स देखता है तो वो जो चाह रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, उसकी वजह से ही तो वो मुझे भेज रहे हैं, राइट। कि मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, देख के उनको ख़रीदेंगे और उससे जो है हर कोई घर में बैठ के कुछ ना कुछ करना चाहता है। जैसे घर में बैठ के करने वाले बहुत सारे बिजनेस हैं, कुछ लोग इयररिंग्स बनाते हैं, ज्वेलरी जैसे भेजते हैं वो बनाते हैं, सबका अपना अपना स्किल है, कोई हैंडबैग्स बनाते हैं, कोई कैंडल्स बनाते हैं, तो अलग अलग है। तो मेरा बस यही मोटिव रहता है कि जिन्होंने मुझे भेजा है वो इसलिए भेजा है कि मेरी वजह से उनका जो भी बिज़नेस उन्होंने शुरू किया है, जो अभी तक इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है या किसी भी स्टेटस में, वो और अच्छा चले। बेशक किसी का चल सकता है किसी का नहीं, लेकिन जो मुझे छोटी छोटी चीज़ें भेजते रहते हैं बहुत ही प्यार से, मेरा मन करता है कि जिस मोटिव से उन्होंने भेजा है ना वो पूरा फुलफ़िल हो। तो जब भी मैं कोई भी आइटम किसी का भेजा हुआ या कुछ भी दिखाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से उनको कम्प्लीट आउटपुट मिले। तो मेरा बस यही मोटिव है कि जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं उनकी प्लीज़ मदद कीजिए। बस ये है कि वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो मेरी तरफ से मैंने आपको पूरी तरह बता दिया, अब आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं, इसलिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो उन्होंने ये हैंडमेड पर्स मेरे को दो भेजे, एक ये है स्लिंग बैग टाइप है, ये देखिए, एंड ये इसमें थोड़े क्या बोलते हैं इसको पॉम पॉम्स लगा के बड़ा ही अच्छी तरह डेकोरेट किया है। एंड यहाँ पे जो है स्टिच बटन दिया हुआ है, जिप वाला नहीं है, एंड ऐसे है। एंड इसके साथ इन्होंने ये एक एक्रेलिक कोन दिया है, किसी कागज़ के ऊपर या कोई इनविटेशन कार्ड हो गया या कोई बर्थडे ग्रीटिंग्स हो गया उसके ऊपर आप इससे डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मेहंदी बनाते हैं वैसे आराम से डेकोरेट कर देंगे तो ये वैसे सूख जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा, तो ये उन्होंने इसमें रख के भेजा है। तो सी दिस सो ब्यूटीफुल है ना, ऐसे है ये पर्स, अच्छा लग रहा है ना, ये है। एंड उसके अलावा एक ये क्लच टाइप का है, थोड़ा सा बड़ा क्लच, नॉर्मल वॉलेट से थोड़ा बड़ा साइज़ का है। सी बहुत ही ब्यूटीफुल, उन्होंने यहाँ पे जैस्मिन्स लगा रखे हैं एंड यहाँ पे मोती लगा रखे हैं, यहाँ पे भी स्टिच बटन है।
एंड इसका स्पेस कुछ ऐसा है, देखिए। सो ये दो बैग्स हैं जो उन्होंने मुझे भेजे हैं अपने हाथों से बना के, एंड इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं वो जो वो खुद बनाती हैं। तो जो मेहनत करता है उनको फल ज़रूर मिलना चाहिए। दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम आई फील। सो देख रहे हैं आप जैसे कि कितना ड्यूरेबल है। आपको आजकल बाज़ार में मशीन से बनाई हुई चीज़ें मिल जाती हैं जो बहुत जल्दी फट जाती हैं या तो इतनी ड्यूरेबल नहीं रहती हैं। तो आजकल धीरे धीरे ट्रेंड जो है पुरानी चीज़ों का आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती थी। एंड हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं वो और भी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका वर्क किया हुआ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। एंड मैं जब भी इसको यूज़ करूँगी तब तो आपको दिखाऊँगी। तो मैंने इनके डिटेल्स पूरे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम पेज पे जाके अगर आपको कुछ भी पसंद आता है उनका बनाया हुआ तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके वो चीज़ें अपने पास मंगा सकते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आने के बाद तो घर वैसे खंडर बन चुका था जो अभी धीरे धीरे शेप में आ रहा है। बहुत सारे कपड़े अभी भी बाकी है जो मुझे धोने हैं, एक राउंड हुआ है और बाकी है। एंड फ़ोन की चार्जिंग भी जो है ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब जो है हमें अभी जल्द से जल्द 15% चार्जिंग बची है। एंड पसीने जो है, मुँह धो के आई हूँ फिर भी पसीने आ रहे हैं। हाँ मैं क्या बोल, चार्जिंग भी ख़त्म होने वाली है, इसका मतलब ब्लॉग अभी फिनिश करना चाहिए। तो कैसा लगा ब्लॉग, आई होप अच्छा लगा होगा। तो फिर वीडियो ख़त्म हो रहा है, लाइक चिपका दो, नीचे ही था अंगूठा लगा दो उसको चिपका दो, एंड शेयर कर लीजिए मेरे वीडियो, ताकि जो भी मैं बताती हूँ अगर आपको उसको थोड़ा बहुत भी उसमें आपको कुछ यूज़फुल लगता है तो वो दूसरे तक पहुँचना चाहिए, है ना, मेरी फीलिंग है ऐसी। तो प्लीज़ दूसरे लोगों तक भी थोड़ा पहुँचा दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी बजा के। अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, तो और भी अच्छे अच्छे काम देखने के लिए, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। लेकिन सब्सक्राइब करने से काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने घंटी नहीं बजाई तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी और वीडियो मिस हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें कर लीजिए, बस काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से मुझे। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, तो घर बैठे ये सब लोग कमा सकते हैं विदाउट एनी मेहनत एक्स्ट्रा इनकम। तो डाउनलोड कीजिए आज ही इस मीशो ऐप को, और करना कुछ भी नहीं है, आपको जो पसंद आ रहा है आइटम और जिस टाइप का आपका ग्रुप है उसमें आपके मनपसंद आइटम को आप शेयर कीजिए, और अगर किसी को पसंद आता है वो आइटम तो बस कैश ऑन डिलीवरी पे उनको भेज दीजिए। तो भेजने का प्रोसेस भी आपको मैं बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपके ग्रुप में हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा है, तो हाउसवाइफ को जो है किचन के रिलेटेड आइटम बहुत पसंद होते हैं। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया है, ऐसे आप एक कढ़ाई सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको कैश ऑन डिलीवरी पे आप सेंड कर सकते हैं। तो अभी इसका कॉस्ट है 558। तो कमाई कैसे होगी, आपको करना है ऐड मार्जिन। तो मैंने यहाँ 600 रुपये टोटल डाला है, तो मेरा मार्जिन बनता है 42 रुपीज़। ये है मेरी कमाई। तो इट इज़ वेरी सिंपल। सो डाउनलोड नाउ एंड एन्जॉय योर अर्निंग्स।